I'm saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start offering their mind. Because we have only 2 days left, so we have to understand the importance. Aapka leader ne bola, Doraji, aapki ho yaar. He is capable, I heard him, and also have taken it positively. So it's not, Anandji, it's not only that bill. There are two bills and one resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है उसका भी जवाब होगा कश्मीर में, उसको एक डेढ़ घंटे में डिस्पोज आप करके माननीय गृह मंत्री मुझे पांच मिनट देंगे और हम बिल ले लेंगे। गुलाम नबी साहब मुझे पांच मिनट देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे पांच मिनट सुनिए प्लीज। यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, यू रेज अ रेलेवेंट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट, कंट्री इज ऑल्सो taking note of the same what is happening and all, it is the duty of the government to explain to the house. The home minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please baithiye, you know, aap baithiye please, kripaya aap baithiye. Mr. Amit Shah, honorable home minister, nothing else will go on the card other than home minister. Other than Home Minister, nothing else will not go. सभापति महोदय, शिवाजी प्लीज बैठिए। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावा मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा, और चारों पर एक के बाद एक करके डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं, इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल, महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत महोदय महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के, नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, अंतरियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति
व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की